हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 10। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आसान है। जैसे हमने पहले एन की फाइंड करी थी वैसे ही आर की हो जाएगी। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, 5 PR 2 6 PR-1। ओपन करो इसको, मतलब फैक्टर नोटेशन ओपन करो। 5 - R·6 - R, फिर ये +1 हो जाएगा। +1 कैसे हुआ, 6 - R, फिर माइनस माइनस प्लस। 5 factorial upon 5 minus R factorial equals to 2 multiply 6 multiply 5 factorial 6 plus 1 7 minus R factorial। ठीक है, क्या करें अब, ओपन करो। 1 upon 5 minus R factorial equals to 2 6 are 12 होगा, ये 7 minus R है, करो उसको सॉल्व। 7 minus R, फिर 7 minus R -1, तो 6 minus R, फिर -1, तो 5 - R factorial पे ये स्टॉप हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा कितना, इन दोनों को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 7 - R 6 - R equals to only 12। 7 6 are 42 - 7 R - 6 R + R² 12। इधर भेजो उसको, R² - 13 R। 42 में से 12 लेस किया तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। -3R - 10R ऐड करेंगे, -13 मल्टीप्लाई करेंगे 30। R कॉमन लिया, R - 3 R - 3 - 10, 10R 30, तो R - 3 बचा और R - 10 बचा। अब R की वैल्यू 103 आई है और एक R की वैल्यू 10 आई है, बताओ कौन सी रखूं। अब इधर ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ R की वैल्यू 10 रख दी तो इससे ग्रेटर हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट लगा देते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फर्स्ट केस में R का वैल्यू ओनली 3 हो गया है, क्लियर है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। सेकंड देखो, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, P11R, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 12 PR-1, करो। 11 factorial upon 11 minus R factorial, 12 factorial upon 12 minus R, माइनस आर हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 11 factorial, इधर आ जाओ, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 - R हो जाएगा, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। 13 - R, फिर -1 किया तो 12 - R, फिर -1 किया तो 11 - R factorial, कैंसल आउट कैंसल आउट। क्या बचा, ये वैल्यू क्रॉस, 13 - R 12 - R इक्वल्स टू, मैं कितना बच गया, 12, करो मल्टीप्लाई 13 को 12 से, 2 3 6 2 1 2 1 3 1 1 6 5 156। 13 को इससे किया -13 R, इसको इससे किया -12 R, इसको इससे किया R² = 12। 12 इधर भेज दो, क्या बचा, R² - 13 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 25 R, और 156 में से 12 सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 144। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई दिखाना है इनका, 144 है आपके पास वैल्यू, है ना, और कौन सी ऐसी वैल्यू, मुझे पता है 12 और 12 का मल्टीप्लीकेशन जो है 144 हो जाता है, हो जाता है, नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बट आपकी वैल्यू देखो आप यहाँ, कौन सी वैल्यू से ये जो आर की वैल्यू है वो बन सकती है, तो 12 और 12 से तो नहीं बन रही मेरे पास, अब कौन सी वैल्यू हो सकती है 144 के लिए, उनका एडिशन 25 हो जाए, मैं यहाँ पर 16R लिख दूं, यहाँ पर 9R लिख दो, इन दोनों से बन जाएगा मल्टी, 69 से 144 होता है, एडिशन करोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 144 = 0। यहाँ देखो R - 16 और यहाँ पर R - 16, -R मैंने ले लिया बाहर, R - 16 और ये R - 9, फिर से दो वैल्यू है, R = 16 और R = 9। अब देखो अगर मैं 16 रखता हूँ, कहाँ गया, ये रहा 16 रखता हूँ तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल डाल दिया मैंने इस पे, ठीक है, तो ओनली सेकंड पार्ट के अंदर आर की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 9 आ गई है, क्लियर हुआ यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट।
पार्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, यहां वैल्यू रेशियो में दे रखी है, ओके, 15 r-1, फिर 16 p r-1, 3/4। ओपन करो, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r, फिर माइनस, तो ये +1 फैक्टोरियल, फिर ये अपॉन में वैल्यू होगी 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस r, और फिर माइनस, तो +1 फैक्टोरियल। अब करो, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 बन 16 माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 16, और ये 17 माइनस r फैक्टोरियल, और ये 16 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/4। अब ओपन कर देते हैं इसको, ना, ये 15 फैक्टोरियल रहने दो, इसको ओपन करो, 17 माइनस r, और फिर माइनस वन करेंगे तो 16 माइनस r फैक्टोरियल, इधर देखो 16 माइनस r फैक्टोरियल 16 मल्टीप्लाई 15 फैक्टोरियल, कैंसल आउट, क्या बचा, 17 माइनस r अपॉन 16 इक्वल्स टू 3/4, 16 कितना बचा, 17 माइनस r 4 3 12, इसको इधर, इसको इधर, तो फाइनली जो वैल्यू बनी है मेरे पास r की, कितनी बन गई है, 5। बताओ क्या समझ में नहीं आया, ऑल वैल्यूज ऑफ r निकाल दी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, एक्सरसाइज 7.3।